हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ अपने अगले लेक्चर के साथ। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में विमीय विश्लेषण नामक का टॉपिक पढ़ा था और उसमें हम लोग जो आपकी भौतिक राशियाँ होती हैं उनकी विमाओं को कैसे याद किया जाए इस पर परिचर्चा प्रारंभ की थी। कुछ 5-6 राशियों की विमाएँ मैंने निकलवाई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि करीबन 10 राशियां लिखी हुई हैं और एक एक करके हम इनकी क्या करेंगे, विमाएं ज्ञात करेंगे, विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है आपका दाब, नंबर एक पर क्या है दाब। देखिए, दाब को हम लोग क्या पी से प्रदर्शित करते हो। दाब पी बराबर क्या होता है, एफ अपॉन ए। ठीक, तो दाब की विमा क्या हो जाएगी, दाब की विमा होगी F की बीमा और बटे में क्या हो जाएगी, A की बीमा। अब F की बीमा पिछले वीडियो में मैंने निकलवाई थी। F की बीमा होती है M L T माइनस टू। ये क्या होती है, M L T माइनस टू और A। A होता है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल में आपकी बीमा मैंने निकलवाई है क्या हो जाएगी, L टू। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो देखिए, M एक बार है तो ये M आपका एक बार हो गया। L यहाँ ऊपर घात एक है, नीचे घात दो है। देखिए, जब बटे से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो इसकी घात माइनस में बदल जाती है। तो ऊपर कितने था, L की घात एक और ये नीचे से जाएगा L की घात माइनस दो। गुणे में घातें जुड़ती तो माइनस दो में एक जुड़ेगा तो बचेगा माइनस वन, तो जाएगा M L माइनस वन हो जाएगा और T माइनस टू ऑलरेडी यहाँ पे है तो T माइनस टू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा दाब की विमा। अब जरा ध्यान दीजिए, दाब के बाद में संवेग। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, संवेग का सूत्र मालूम होना चाहिए। तो संवेग P बराबर क्या होता है, M और इनटू में क्या हो जाएगा, V। ठीक, तो अब देखिए, एम एम का मतलब हो गया द्रव्यमान, तो विमा इसकी क्या हो जाएगी, पी की विमा क्या हो जाएगी, एम की विमा। तो द्रव्यमान की विमा को हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और ये वेग है तो वेग और चाल की विमा हम लोगों ने कल निकाली थी, क्या होती है, एल टी माइनस वन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एम और L और साथ में हो जाएगा T माइनस वन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं आवेग। तो देखिए, आवेग बराबर क्या होता है, ये होता है F इंटू टी। F इंटू टी का मतलब आवेग, जो देखिए आवेग होता क्या है, जैसे किसी कीली वगैरह पर हम जब हथौड़ी से क्या करते हैं, वार करते हैं, तो हमारे द्वारा कीले पर लगाया गया जो बल होता है वो जब बहुत सूक्ष्म समय के लिए लगता है तो लगाए गए बल और उस समय का जो गुणनफल होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, आवेग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसकी विमा क्या हो जाएगी, तो आवेग की विमा बराबर हो जाएगा आपका F की विमा। तो F की विमा हम सभी को मालूम है क्या होता है, एम एल T माइनस टू और साथ में समय की विमा क्या हो जाएगा, T। दोनों को साथ में अगर हम लाते हैं तो जाएगा M L और T। देखिए, माइनस टू यहाँ पे है, प्लस वन यहाँ पे है, तो दोनों घट जाएंगे और ये हो जाएगा M L T माइनस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा। और चौथे नंबर पे चलते हैं हम काहे पर, कार्य पे। आप सभी देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्य भी लिखा हुआ है और साथ में क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा भी लिखा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो विमा कार्य की होगी वही विमा क्या होगी, ऊर्जा की। अब ऊर्जा आपकी चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, कैसे भी ऊर्जा हो, उन सब का मान कार्य की विमा के क्या होता है, बराबर। क्यों, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही वास्तव में हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो जो विमा कार्य की आएगी वही विमा क्या होगी, ऊर्जा की। किसी प्रकार की ऊर्जा हो उसमें वही
ही विमा आपकी प्रयोग होगी। तो देखिए कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, ये होता है बल और गुणे में क्या होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। बल मतलब फोर्स और डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो बल गुणे विस्थापन। अब इसकी विमा चाहिए, तो इसकी विमा के लिए हमें दो चीजों की विमाओं की जरूरत पड़ेगी, एफ की विमा। तो देखिए एफ की विमा क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस टू, और साथ में देखिए डी, डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब चली गई दूरी। तो यहां पर देखिए बल की विमा क्या हो गई, एम एल टी माइनस टू, और डी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो दूरी नापना है तो जो जाहिर सी बात वो भी लंबाई में नपेगी, तो इसके लिए भी क्या एल का यूज होगा, तो इसका मात्रक भी विमा क्या हो जाएगी एल। अब दोनों को कंबाइन कीजिए तो एम एल एक ये एक एक मिल के घाते हो जाएंगी टू, और ये हो जाएगा टी माइनस टू। तो ये जो हमारा विमीय सूत्र है ये आपका कार्य के लिए भी यही सूत्र आएगा, और ऊर्जा के लिए भी क्या होगा यही सूत्र आएगा। अभी ऊर्जा में गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा आपको हम निकलवा के दिखा भी देंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि उसका फार्मूला भी एम एल टू टी माइनस टू आएगा, और जैसे आपसे कोई डायरेक्ट पूछे तो आप इसको बता सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जरा बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है ना, आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। तो जहाँ R क्या होती है, जहाँ पर बलाघूर्ण लगाया जा रहा है और जो आपका जहाँ पर वो घूम रहा है, वास्तव में बल आघूर्ण अर्थात किसी चीज़ को घुमाने में जो बल लगाया जाता है उसे कहते हैं बलाघूर्ण। जैसे दरवाजे होते हैं, दरवाजे में आप देखिए कब्जा लगा होता है जिस पर दरवाजा टिका होता है, जिसके सहारे दरवाजा घूमता है, और सबसे किनारे पर हैंडल लगाते हैं, तो हैंडल पकड़ के आप घुमाते हो, तो ये जो आपकी ये आर है लंबवत दूरी, ये वास्तव में उस कब्जे से और वो जो हैंडल है उसके बीच की सीधी जो है दूरी, लंबवत दूरी आपकी क्या होती है आर होती है। एफ क्या होता है, जो बल आप कब्जे को पकड़ के उसे खोलने में लगाते हो वो बल आपका होता है एफ। तो जरा ध्यान दीजिए टाउ बराबर ये इसकी विमा क्या हो जाएगी। अब R देखिए ध्यान दीजिए, R का मतलब वही दूरी, दूरी के लिए फिर L हो जाएगा, और ये आप ध्यान दीजिए F है तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, तो इन दोनों को कंबाइन करने पर ये क्या हो जाएगा एम एल टू और टी माइनस टू। तो इस प्रकार से ये इसकी विमा हो गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम आ जाते हैं चार पाँच के बाद में छः नंबर पे शक्ति। अब देखिए शक्ति P बराबर क्या होता है W अपॉन T, ठीक। तो W का मतलब कार्य और T का मतलब समय है ना, तो अब ये शक्ति का W अपॉन T, तो शक्ति की जो विमा होगी वो विमा किसके बराबर हो जाएगी W की विमा, W मतलब कार्य की, कार्य की विमा हम लोगों ने कितनी निकाली है एम एल टू और टी माइनस क्या हो जाएगा टू, और बटे में समय, तो समय के लिए क्या यूज होगा टी। तो अब ध्यान दीजिए भैया इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एम, और देखिए एल दो घात है तो ये एल टू ही रहेगा, और टी ये नीचे प्लस का वन है ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन हो जाएगा, माइनस टू पहले से है तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा टी माइनस थ्री। ये हमारा क्या हो जाएगा शक्ति की विमा आ जाएगी। अब शक्ति के बाद बात करते हैं कहे कि कोण, तो कोण का आप लोगों को फार्मूला मालूम, कोण बराबर क्या होता है चाप और बटे में क्या होता है त्रिज्या, ठीक। चाप भी क्या होती है एक वक्रीय दूरी होती है, और दूरी को मापने के लिए फिर यहाँ पे इसका क्या होगा एल, इसका विमा सूत्र एल होगा, और त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब भी एक दूरी है तो इसका भी क्या होगा एल ही होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कोण है उसकी विमा एल वन ये है, नीचे से जाएगा माइनस वन तो प्लस वन और माइनस वन तो हो जाएगा एल और ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है भैया कि जो कोण है वो एक विमाहीन राशि है, कोण की अपनी कोई विमा नहीं होती है। चलिए अब इसके बाद में छः के बाद ये सात नंबर, अब ये आठ नंबर में हम आ जाते हैं क्या गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की क्या हो जाएगी विमा, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए तो हमें फार्मूला मालूम है F बराबर क्या होता है G M1
एम टू और बटे में क्या होता है आर स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, जी की, तो पहले जी का मान निकालना पड़ेगा। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में है गुणे में आएगा तो हो जाएगा एफ, और इनटू में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा एम वन, और इनटू में क्या हो जाना एम टू। तो अब एफ ध्यान दीजिए भाई, इसकी विमा क्या हो जानी है, ये एफ की विमा मतलब एम एल टू टी माइनस टू, उसके बाद आर दूरी है तो स्क्वायर है तो एल टू हो जाएगा, और बटे में ध्यान दीजिए एक एम ये एक एम ये, तो एक इसकी विमा एक इसकी, तो ये हो जाएगा एम टू हो जाएगा। अब इन्हें कंबाइन कर दीजिए, जो भी आएगा वही हमारा आंसर। देखिए ऊपर m की पावर प्लस एक, नीचे m की पावर प्लस दो है, ऊपर जाएगा माइनस दो, तो माइनस दो में से प्लस एक घटेगा तो m पावर क्या हो जाएगा माइनस वन। दूसरा ध्यान दीजिए L2 आपका है तो L2 ये है L2 ये है, तो टोटल ये क्या हो जाएगा L4 हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या बचा आपका T माइनस टू। तो ये जो विमा आ गई ये कहे कि आगे भैया ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की क्या हो गई, विमा हो गई। अब इसके बाद में देखते हैं नौ नंबर में जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, I बराबर एम आर स्क्वायर। देखिए इसे इनर्सिया बोलते हैं, तो इनर्सिया का फर्स्ट लेटर I बराबर ये एम इंटू में आर स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा ध्यान ये देना है हमें कि यहाँ पे इसकी विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, दो चीज़ों की विमा हमें चाहिए, m की विमा r की विमा, तो m की विमा तो क्या होती है m ही होगी, और r मतलब दूरी है तो दूरी का मतलब क्या हो जाएगा एल टू। देखिए इनमें से बहुत सारी राशियां हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है, ये जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे, कोर्स आपका आगे बढ़ेगा तो इनके बारे में सब कुछ आपको मालूम होगा क्योंकि आपके कोर्स में है। इनकी परिभाषा क्या होती है, इनका सूत्र क्या होता है, सूत्र ज्ञात कैसे किया जाता है, उन सब पे हम बात करेंगे, मगर जब ये हमारे सामने आएंगे टॉपिक तब। अभी डायरेक्ट देख लीजिए, तो यहाँ पे भाई एम ए हो गया एल टू ए हो गया, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा एम एल टू, तो ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आपका क्या लिखा हुआ है, पृष्ठ तनाव। तो ध्यान दीजिए पृष्ठ तनाव बराबर क्या हो गया, बल बटे दूरी। अब बल है दूरी, अब बल की विमा क्या होती है आप सभी को मालूम है, बल की विमा अभी हम लोगों ने लिखा था एम एल टू टी माइनस टू, और क्या हो जाएगा बल की विमा हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। देखिए एक दो जगह पे बल की विमा कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुई है, बल की विमा एक दो जगह पे गड़बड़ हो गई है, ध्यान दीजिएगा बल की होती है एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू होती है कार्य की, जैसे यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, तो ये एल दो ये है एक ये है, तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा थ्री, चलिए लास्ट में ध्यान दे दिया नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। और यहाँ पे तो एक है W का था ठीक था, और यहाँ पे एम एल टी माइनस टू ठीक है, बाकी सब जगह ठीक है, यहीं पे गड़बड़ हो गया था। अब जरा ध्यान दीजिए, तो एम एल टी माइनस टू और दूरी है तो दूरी क्या हो जाएगी L हो जाएगी। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो जाएगा M, और ध्यान दीजिए नीचे L है और ऊपर भी एक L है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो L से L क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा M और T माइनस क्या हो जाएगा टू। अब यहाँ पे आप M L जीरो T माइनस टू करके भी आप लिख सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो इन्हीं पर हम समाप्त करेंगे, मुझे विश्वास है कि आपको ये निकालना कैसे निकालेंगे ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ महत्वपूर्ण राशियां हैं उनकी विमाएं आपको हम निकलवा देंगे, इसे आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। फिर जल्द ही हाजिर होते हैं कुछ अन्य राशियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।